हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमने करना है बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो बेटे, सबसे पहले तो आपने, अगर आप प्लस टू की बुक खोलो और पीछे मेरे एमओ थ्योरी वाले लेक्चर में आपने देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो बेटे, एक बात तो सही है कि अब हम ये क्वांटम मैकेनिक्स पे लगाने जा रहे हैं, तो ये इतनी सिंपल चीज़ जो क्लासिकल की है ये नहीं चलेगी। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर नो डाउट ये एप्लीकेबल सब जगह है, सब हर कोई बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ही निकालता है, चाहे आप एमओ थ्योरी लगाएं। पर जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप एमओ थ्योरी में देख चुके हैं कि एमओ थ्योरी में क्या था कि बेटे, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन से हमने ये सीखा था कि जैसे ही हम किसी मॉलिक्यूल को, होमोन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को हम एनर्जी देते हैं, तो बेटे वो जो एनर्जी है उसकी, वो एनर्जी से क्या होता है, न्यूक्लियाई जो होता है हैवी होता है, और वो क्या होता है, वो धीरे से पुशअप होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पहले ऊपर चले जाते हैं और न्यूक्लियाई बाद में आता है। और अब आपको ये तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पे, तो पहले ही पता है कि ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये वापस आके गिरते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आके गिरते हैं, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जन्म देता है, और अगर ये दूर दूर उन न्यूक्लियाई से के बीच में नहीं, अवे फ्रॉम इन बिटवीन डिस्टेंस, तो ये एंटी बॉन्डिंग को पैदा करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, आपको मैं मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ। उसके बाद हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपने पीछे ये भी देखा है कि जब आपने इंटेग्रल सेकुलर डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे, कि आपके पास ज़्यादातर अल्फ़ा और बीटा में वैल्यूज़ आ रही थी। अल्फ़ा आपका कूलम्ब पोटेंशियल है और बीटा आपका एक्सचेंज एनर्जी है। याद रखो बेटे, जितना ज़्यादा बीटा होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कहा गया है जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी उतनी सिस्टम में से निकल जाती है, और केमिस्ट्री में जो जितना गरीब होता है एनर्जी में उतना स्टेबल होता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, जिसमें इसने वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड लिखा है साई जे इज इक्वल टू समेशन सी आई जे फाई आई। इसका मतलब क्या है कि कोफिशेंट 1 और आई और जे पे लगाया है और आपने फाई आई ले लिया है। समेशन का मतलब हमने ये कहा है कि बेटे, अगर आप वेव फंक्शन 1 लेना चाहते हो तो आप 1 ले लीजिए, आई का मीनिंग 1 है, अगर जे लेना है तो 2 ले लीजिए, के लेना है तो 3 ले लीजिए। मीन ये आपकी एक तरह से पोस्टुलेट्स में से मैं ले रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, या पोस्टुलेट्स आपके क्वांटम मैकेनिक्स के। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, जिसमें इसने कहा है कि अगर आपका इंडेक्स सेम हो, जैसे साई जे को मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, एवरेजिंग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये एवरेजिंग की है, एक्सपेक्टेशन की है। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, और अगर ये सेम इंडेक्स है तो ये बेटे 1 हो जाएगा। तो चलिए, अब हम एक तरह से इसमें, अगर आपने ये मान ही लिया है कि अगर इंडेक्सेस सेम है तो हम क्यों ना उनके कोफिशिएंट्स लगा लें। तो बेटे, मैंने इक्वेशन नंबर 3 में इसको कोफिशिएंट्स लगा दिए आई के कॉरस्पॉन्ड और नीचे भी आई के कॉरस्पॉन्ड। तो अब हमने क्या करना है, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को पुट कर देना है, और इसको हमने एक तरह से इक्वेशन नंबर 4 के कॉरस्पॉन्ड आपने लिख देना है, और कोफिशिएंट्स को बाहर निकाल देना है, और वेव फंक्शन को बेटे एक तरह से अंदर ले जाना है। तो एक तरह से ये आपका देखा जाए कि इसमें कोफिशिएंट्स बाहर आ गए हैं स्क्वायर होके, और आपके जो वेव फंक्शन है उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अंदर आ गई है। अब बेटे आप नेक्स्ट देखिए इसके बाद, कि जैसे ही आपने मेरी
फोर्थ क्वेश्चन देखी थी उसमें हमने कोफिशंट्स बाहर निकाल लिए थे और वेव फंक्शन को अंदर ले लिया था। उसके बाद हमने ये कहा है कि अगर कोफिशंट सेम है तो वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो इसीलिए हमने इसको नॉर्मलाइजेशन इंटेग्रल को बेटे इक्वल टू कर दिया। पर हम तो ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कैसे प्रभाव डालता है, क्योंकि बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में ही होती है ज़्यादा जिसमें कि रेजोनेंस वगैरह चेंज इंटेग्रल होता है। जब पाई बॉन्ड चलता है, जिसमें पाई बॉन्ड चल ही नहीं रहा, जिसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रही है हाइब्रिडाइजेशन के कारण, उसमें हम कम ये लगाते हैं। ज़्यादातर हम आप कह दीजिए कंजुगेटेड स्पीसीज पे अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। पर नो डाउट ये बात बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये आपकी आप अड़ जाओ इस पे कि आपने कंजुगेटेड सिस्टम ही लेना है। आप सिंपल अल्कीन भी ले सकते हैं, आप सिंपल इथेन भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पे नहीं आएगी, उस पे भी अच्छी खासी वैल्यू आएगी क्योंकि उसमें सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमने जो जिनका इंटीजर सेम था, जिनका कोफिशिएंट सेम था, उसको हमने वन ले लिया। और बेटे उसके बाद हमने साई आई साई जे का नॉर्मलाइजेशन लिया इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, जो कि आया सी वन जे स्केयर सी टू जे स्केयर प्लस सी थ्री जे स्केयर अप टू सी एन जे स्केयर। अगर आप देखो तो बेटे आप इसको सिंपल समेशन करके लिख सकते हैं, और जब आपने समेशन करके लिख दिया तो इस ये वन आ गया। तो बेटे इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन बनी है, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि अगर आप किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप उनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर कर दो और वन के कॉरस्पॉन्ड पुट कर दो। तो सिंपल सी बात है, जितने कोफिशिएंट्स हैं स्क्वायर करके उतने ही उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बेटे हम वहाँ से चार्ज, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसमें से हम चार्ज कैसे निकालेंगे, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेटे अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका टॉपिक है इज इक्वल टू समेशन जे, जो उसका सब है वो जे है और मैक्सिमम है ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एन जे सी आई जे स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान से देखिए, तो क्यू आई क्या है बेटे, क्यू आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एट एन एटम आई, और इसीलिए आपने सम किया हर कॉन्ट्रीब्यूशंस का, हर एक इलेक्ट्रॉन का इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एन जे क्या है, एन जे बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी जेथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये ऊपर तक जाते हैं ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं एक बड़ा फंडामेंटल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि एक तरह से कि जब भी हम इनकी नंबर्स लेते हैं हमें नॉलेज होना चाहिए सभी चार्ज वैल्यूज़ का, क्योंकि साफ कहा गया है द सम ऑफ ऑल क्यू वैल्यूज इक्वल द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें जो हम प्रेफरेबल सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम लेते हैं, और इसी से फिर हम आगे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। बेटे अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्वांटम के बेस पे। देखिए वो मैंने कहा था ना कि वो नहीं अब चलेगा, अगर आप एन बी ए माइनस एन ए लगा रहे हैं डिवाइड बाई टू कोई गलत नहीं करेगा, पर दिस इज़ नॉट द राइट वे इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको अब हम बताते हैं, 1939 में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कूलसन, जिसने बेटे चलिए बहुत अच्छी तरह इसके कंसेप्ट के बारे में बताया था कि आप असल में बॉन्ड ऑर्डर क्वांटम मैकेनिक्स लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगा के कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटे एक चीज़ तो क्लियर है
कि आपने प्लस टू में पढ़ाया कि बॉन्ड ऑर्डर तो दो से ढाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का दो होता है और उसके बाद वो कितना हो जाता है 2.5 हो जाता है। तो नाइट्रोजन में से अगर निकालता हूँ तो 3 का 2.5 हो जाता है। तो ये क्या बात बनी, ऑक्सीजन का बढ़ गया और नाइट्रोजन का कम हो गया। उसके पीछे आप सब जानते हैं, प्लस टू में भी लिखा, बीएससी में भी लिखा है, अगर बॉन्डिंग में से निकलेगा तो नेचुरली वो कम होगा और अगर एंटीबॉन्डिंग में से निकलेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला जो हमने निकाला है, क्योंकि प्लस बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा O2 प्लस में, O2 में से, तो वो एंटीबॉन्डिंग में से निकला है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, 2 से 2.5 हुआ है। और नाइट्रोजन में से अगर आप निकालते हो तो वो बॉन्डिंग में से निकलता है, इसीलिए वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड ऑर्डर कोई फिक्स इंटेग्रल या आप कह लीजिए होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं हमने देखे हैं। तो फिर आइए फिर हम कैसे इसको कैलकुलेट करें। तो कूलसन ने 1939 में इक्वेशन नंबर ये 7 बनाई है, जो मैंने साफ लिखी है, PKLJ = CKJ Cl J। तो इसमें हमने दो एटम्स लिए हैं, K और L, और K और L, ये जो मैंने J डाला है ये बेटे क्या है, ये J है jth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल I, J, K, L, M ऐसे चलते हैं ऊपर। हमें jth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने एटम्स लिए हैं K और L, और उनके बीच में हमने इक्वेशन नंबर 7 लगा के बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया है, जो कि पार्शियल होगा, होगा नहीं है। पार्शियल का मीनिंग क्या है, जैसे 1, 2, 3 नहीं आएगा, 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो चल रहे हैं, वो तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण या रेजोनेंस के कारण, नेचुरली साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण आगे आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले कूलसन ने कहा कि हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक तरह से एसोसिएट है बॉन्डिंग पावर ऑफ ए पाई मॉड। तो अगर हम कोफिशेंट्स को देखें, और कोफिशेंट्स अगर, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर वैल्यू कोफिशेंट्स की लार्ज आ जाए और कोफिशेंट्स का साइन सेम हो, क्योंकि ये UGC का सवाल भी हो सकता है कि अगर आपके पास, हम मैं एक एटम दे रहा हूँ उसका कोफिशेंट्स या मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, उसे कोफिशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं वैल्यू में, ठीक, और साइन भी सेम है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है और अगर नेगेटिव है तो सारा नेगेटिव है, तो बेटे इससे क्या पैदा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैदा होगा। और अगर कोफिशियंट्स ऑपोजिट साइन के हैं तो क्या पैदा होगा, नोड पैदा होगा। देखो ना, अब आपको प्लस टू और बीएससी में टीचर पढ़ा देते हैं कि बेटे नोड बन रही है, बेटे नोड आ गई, भाई नोड क्यों आ गई, तो टीचर बताता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जब मैंने साइज स्केल लगाया तो वो ज़ीरो आया। बेटे वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसके पीछे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेवंथ क्वेश्चन है, अगर इसके कोफिशिएंट्स ऑपोजिट साइन के आ जाएं तो क्या होता है, उसमें नोड आ जाती है, और जब नोड आ जाती है तो क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और अगर कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए तो बेटे तो क्या होता है, सिचुएशन नॉन बॉन्डिंग की तरफ चलती है। तो अब आपने कूलसन के कारण देखा, 1939 में कूलसन ने बहुत बड़ी बात साइंटिफिक कम्युनिटी को बताई थी कि कोफिशिएंट्स की क्या अहमियत है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, कि जो टोटल मोबाइल बॉन्ड ऑर्डर है, तो मैं कभी भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं कहूँगा, मैं मोबाइल बॉन्ड ऑर्डर कहूँगा, क्योंकि ये तो चल रहा है, जैसे पैसा आता है हमारे हाथों में और चला जाता है, राइट, रुकता नहीं है किसी के हाथों में, तो उसी तरह से ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये क्या है, मोबाइल है। तो कूलसन ने एक अपने नज़रिए से ये एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 8 पे, और कहा कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन से बना है, ऑल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसको इसने इक्वेशन नंबर 8 से डिनोमिनेट किया,
अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो PKL दिया है, समीशन दिया है, जे से ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NJ, CKJ और CLJ. NJ क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी jth मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. तो बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक तरह से आपकी मोबाइल बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कैलकुलेट करने पे आपकी इक्वेशन है. अब बेटे जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसके बेस पे हम कुछ एक कंक्लूजन्स करेंगे. अब आपने इक्वेशन नंबर 8 जो मेरी पिछली स्लाइड पे देखी थी, वो आपके मोबाइल बॉन्ड ऑर्डर की बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन चार डेंसिटी के बेसिस पे और कोफिशेंट्स के बेसिस पे इक्वेशन थी. सबसे पहले तो हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं इसमें से कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कुछ एक रिलेशनशिप है. कूलसन ने देखा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उतना ही छोटा है. जैसे आप छोटी लकड़ियां अगर 3-4 ले लें उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह अगर बॉन्ड लेंथ बेटे छोटी है तो आपको उसको बॉन्ड को तोड़ना टफ हो जाएगा. तो उसके बाद उसने कहा कि हो सकता है कि कुछ क्वालिटेटिव रिलेशन हो बॉन्ड ऑर्डर में और बॉन्ड लेंथ में. तो कूलसन ने बेटे बॉन्ड ऑर्डर 1 की जो बॉन्ड लेंथ निकाली, जैसे इथेन मॉलिक्यूल लिया उसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम निकाली, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है मीन इथिलीन है जिसको आप इथीन बोलते हैं, उसकी बॉन्ड ऑर्डर अब डबल बॉन्ड है तो कम होगी. सिंगल की कितनी थी? 1.54, तो इसकी कितनी हो गई? 1.35, और ट्रिपल की बेटे उससे भी कम होगी जो कि 1.20 है. और कूलसन ने कहा कि अगर हम इसको प्लॉट करें बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड ऑर्डर के साथ तो हमारे पास एक कर्व आएगी, और इस कर्व से हमें ये यूटिलाइजेशन करनी बहुत इजी हो जाएगी जिसको आप अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड लेंथ्स बोलते हैं. क्योंकि बेटे सिंपल सी बात है कि आपने 2 कार्बन का निकाल लिया, 4 का निकाल लिया, 6 का निकाल लिया, उसके बाद प्लॉट बना लिया बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के कॉरस्पॉन्ड. उसके बाद आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपने कर्सर रखा, फॉर एग्जांपल आपको 5 स्पीसीज का कोई पूछ ले, आप 8 का पूछ ले, तो वो आप एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ से ईजिली कैलकुलेट कर देते हैं. तो अब आज आपको पता लगा ना कि असल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है. बॉन्ड ऑर्डर सीधा ये नहीं है NB-NA डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये तो सब चल रहा है पैसों की तरह, पैसा जैसे आपके हाथों से दूसरे हाथों में जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, राइट. वैसे बॉन्ड ऑर्डर भी आपका एक तरह से चल रहा है. तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग है माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग है डिवाइडेड बाय 2. तो ये भी कंसेप्ट बिल्कुल सही है, मैं इसको गलत नहीं साबित कर रहा, पर क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे जो इक्वेशन नंबर 8 है वो ही सही इसका बॉन्ड ऑर्डर है. और हम बॉन्ड ऑर्डर नहीं बोलते, हम मोबाइल बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. थैंक यू बेटे.